हेलो दोस्तों, ये है 2022 की न्यूज़। सुजुकी जिक्सर SF250 BS6 अब 2022 में SF250 की एक्सोरूम कीमत 5,600 रुपये बढ़ चुकी है। इसमें कुछ नए अपडेट हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, लेटेस्ट ऑन रोड कीमत क्या है, माइलेज कितना देती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। तो इसके वाइजर के दोनों साइड में आपको एडजस्टेबल साइड व्यू मिरर मिलते हैं, जिसको आप नीचे की साइड से फुली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड का ग्लास मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। स्प्लिट LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। ऊपर आपको लो बीम, नीचे आपको हाई बीम मिलती है। तो मैं यहाँ से इसकी हाई बीम को भी ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आप इसकी लो बीम और हाई बीम की रोशनी को देख सकते हैं, और इसकी नाइट के समय पर आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा थ्रो भी मिलता है। इसके साथ जब भी आप इस बाइक को नाइट के समय पर चलाते हैं तो काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस भी मिलती है। दोनों साइड में आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर आपको सुजुकी का स्टिकर मिलता है, और ये इसके फ्रंट के टायर की ग्रिप है 17 इंच के। यहाँ पर आपको डायमंड कट के अलॉय व्हील मिल जाते हैं ब्लैक कलर के, जो कि काफ़ी स्पोर्टी है। और यहाँ पर आपको 300 mm डायमीटर के लगभग आसपास यहाँ पर आपको डिस्क मिलती है ABS के साथ, जिसमें आपको वाइब्री के कैलिपर मिल जाते हैं। अलॉय व्हील के ऊपर आपको गोल्डन कलर की स्ट्रिप मिलती है। 110/70/17 के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि रेडियल हैं। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो काफ़ी हैवी और मोटे यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसकी मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें दिया है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऊपर आपको शिफ्टिंग लाइट मिलती है। यहाँ पर आपको हेडलाइट की वार्निंग, गियर न्यूट्रल टर्न इंडिकेटर और चेक इंजन लाइट की वार्निंग की इंडिकेशन। साइड में आपको ABS की वार्निंग की इंडिकेशन मिल जाती है। यहाँ पर आपको RPM मीटर मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडो मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है। नीचे आपको डिजिटल क्लॉक के साथ साथ नीचे आपको ट्रिप मीटर मिलता है, जिसमें आप बैटरी के वोल्टेज और किलोमीटर की रीडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसकी जो हैंडल बार रॉड है वो यहाँ पर आपको इसके वाइजर और हेडलाइट से ऊपर मिलती है काफ़ी। और साइड व्यू मिरर यहाँ पर आपको काफ़ी स्टाइलिश और स्पोर्टी मिलते हैं। यहाँ पर आपको पास स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है। इसके दूसरी साइड में आपको इंजन किल के साथ यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया है। इसके साइड अपडेट की बात करें तो इसके बॉडी स्ट्रक्चर में आपको कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिलता है। 17 इंच के यहाँ पर डायमंड कट के अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके फेयरिंग के ऊपर आपको जिक्सर SF का स्टिकर मिल जाता है। थोड़े से यहाँ पर आपको कर्व और कट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 250 का स्टिकर और सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम, यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि आपको सुजुकी की हयाबूसा में देखने को मिलती है। इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको सुजुकी का 3D में लोगो मिलता है, और ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर आपको इसकी फ्यूल टैंक की डिज़ाइन मिलती है, जिसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। फुली मैट ब्लैक फिनिश में ये बाइक आती है 250cc इंजन के साथ। स्प्लिट यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है पिलियन और राइडर के लिए, जिसमें आपको 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है राइडर के लिए। साइड बॉडी पैनल के ऊपर आपको SEP का लोगो मिलता है स्टिकर के साथ, और 165 mm इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इस बाइक में आपको ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलता है। यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको ब्रेक पैड, एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। इसमें 1200 ml इंजन ऑयल आता है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो 249cc ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक SOCS इंजन दिया है, जो 26.5 PS की पावर देता है 9,300 RPM पर, और 22.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 7,300 RPM पर। 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। इसके माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको 35 km/L का माइलेज मिल जाता है, अगर आप इसको इकोनॉमी जोन में चलाते हैं। इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम की मेटल की प्लेट, और पीछे में आपको फाइबर की क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो यहाँ पर आपको स्विंग आर्म टाइप का मिलता है, जिसको आप आसानी से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो कि फुली प्रोटेक्टेड है, जिसमें आपको धूल मिट्टी जाने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। 240 mm के आसपास यहाँ पर आपको डिस्क मिलती है ABS के साथ, और यहाँ पर आपको रियर में मिल जाता है टायर हगर। पीछे वाले टायर की बात करें तो 150/60 सेक्शन का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है रेडियल का, जिसमें आपको 17 इंच के डायमंड कट के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। इसके पीछे वाला जो टायर है वो यहाँ पर आपको 150 mm चौड़ाई के साथ मिलता है। और इसके पीछे वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाते हैं, और इसकी जो टेल लाइट है दोस्तों वो यहाँ पर आपको काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश मिलती है, जो कि LED में दी गई है। नीचे आपको
सुजुकी का स्टिकर, दोनों साइड में आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, नीचे नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर दिया गया है। इसका जो पीछे का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी मिल जाता है। और इसके दूसरी साइड में भी आपको सेम स्टिकर और ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर आपको सीट को ओपन करने का लॉकर, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट, और यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड, और यहाँ पर आपको ओपन चेन सेट कवर मिल जाता है फाइबर बॉडी के साथ। और इसके इंजन के ऊपर आपको, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। और इस बाइक में आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पर आपको गियर की ब्रांडिंग मिलती है। इसके सबसे बड़े नए फीचर्स की बात करें तो अब इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर मिलता है, जैसा कि ये कुछ इस तरह काम करता है प्रेसिंग के थ्रू, जो आपको सुजुकी की एवेनिस स्कूटर में दिया गया है कुछ इस तरह का। तो दोस्तों मैं आपको इसके इंजन के और इसके एग्जॉस्ट के साउंड को यहाँ से चेकआउट करा देता हूँ, तो यहाँ से आप इसके साउंड को चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करें इसके प्राइस की, तो सुजुकी जिक्सर SF 250 की एक्सोरूम कीमत है 1,89,961 रुपीज़, और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,22,501 रुपीज़। ये कीमत मैंने आपको बताई है विवान सुजुकी वेलगछिया रोड कोलकाता शोरूम की। अगर आप कोलकाता से हैं और सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं या टेस्ट राइड लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानने के लिए आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।